गई होती तो अब तक वो शादी करके अपने बच्चों समेत ऐश की जिंदगी जी रही होती, क्योंकि उनके पास कोई कमी नहीं है अभी, लेकिन उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी मिशन के नाम दे दी। कि बहुजन समाज पार्टी पार्टी नहीं, एक मिशन मूवमेंट है, और मिशन मूवमेंट में वही बंदा टिक सकता है जिसके रग रग में मिशन हो, जो दिन रात बाबा साहब को पढ़ता हो और उनके उनके जो बताए हुए रास्ते पर उनको चलने का जिसने पढ़ लिया हो। कैसे मान्यवर साहब के संघर्षों को कैसे आप उनको याद करेंगे आज, कैसे उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे? देखिए, उनके संघर्षों को याद करने की ज़रूरत नहीं है, उनके जो संघर्ष हैं उन पर चलने की ज़रूरत है, क्योंकि उन्होंने जो संघर्ष किया वो हम लोगों के लिए किया कि आने वाली जो पीढ़ी है उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, जैसे कि उन लोगों ने सही तो वो हमें जो देकर गए हैं वो हमारे बीच में नहीं है, कमी गलती है, लेकिन जो उनकी दीवी हमें धरोहर है बहुजन समाज पार्टी, और जो उनकी विचारधारा है वो आज भी हमारे दिलों में जिंदा है और हमारे सामने है बहुजन समाज पार्टी। हम उस बहुजन समाज पार्टी को ऊपर ले जाने का अगर काम करते हैं तो समझो उनको जिंदा रखने का काम करते हैं। क्या लगता है मैम, मान्यवर साहब कहते थे कि इस देश का शासक बनना बहुजनों को, क्या लगता है लोग उस तरफ बढ़ रहे हैं, बन पा रहे हैं शासक? देखिए, बाबा साहब के बाद काशीराम साहब ही वो इंसान, वो महान विभूति थे जिन्होंने बाबा साहब को खासकर बहुजन समाज के बीच में ज़िंदा रखा और उनके मिशन को आगे बढ़ाने का काम किया। जहाँ तक बात शासक बनने की है तो देखिए, शासक बनना इस समाज के, बहुजन समाज का, इतना आसान नहीं है, क्योंकि जिन मनुवादी ताकतों से हम लोगों को दिन रात लड़ना पड़ता है, आप जीता जागता उदाहरण देख सकते हैं कि भारत का संविधान लागू हुए 70 साल हो चुके हैं, उसके बाद भी आज समाज के, बहुजन समाज के लोग इंक्लूडिंग दलित एंड मुस्लिम्स, उनको आज भी अपने मतलब रोटी कपड़ा मकान के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है। तो काशीराम साहब वो शख्स थे जिन्होंने, बाबा साहब ने जो हमें अधिकार दिए उनको मनुवादी ताकतों से कैसे छीनना है उसके लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार करके दिया जिसका नाम बहुजन समाज पार्टी है। अब बहुजन समाज पार्टी में काम करना भी हर किसी के बस की बात नहीं है। देखिए, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी, अगर लोग ये सोच के उसको ज्वाइन करेंगे वो एक पॉलिटिकल पार्टी है, तो आप ज़्यादा समय तक नहीं टिक सकते, जैसे कि आप लोग देखते रहे होंगे। और बहन जी का जो तुरंत एक्शन लेना होता है, किसको निकालना है, किसको करना है, उसके पीछे सिर्फ एक ही कारण होता है कि बहुजन समाज पार्टी पार्टी नहीं, एक मिशन मूवमेंट है, और मिशन मूवमेंट में वही बंदा टिक सकता है जिसके रग रग में मिशन हो। तो बहुत आसान नहीं है, क्योंकि बाबा साहब ने भी मरते दम तक संघर्ष किया, काशीराम साहब ने भी संघर्ष किया, उनसे पहले भी न जाने अनगिनत जिनका इतिहास के पन्नों में नाम तक दर्ज नहीं है, हमारे महापुरुष हुए हैं, हमारे वीरांगनाएं हुए हैं, उन्होंने सदियों से मनुवादी ताकतों का संघर्ष किया है। लेकिन आज वो समय आ गया है, आज हम उस स्थिति में आ गए हैं कि आज सब लोग थोड़ी सी एकता दिखाएं तो हमें इस देश का शासक बनने से कोई नहीं रोक सकता। पूनम जी, मेरा आपसे एक सवाल है, जैसे हम बात करते हैं बहुजनों की, तो बहुजनों में ओबीसी समाज भी आता है, लेकिन जब देखा जाता है तो अगर सबसे ज़्यादा अगर कोई अपराध करता है एससी एसटी पे तो वो बहुजन है, अगर कोई लट से डंडे से मार रहा है तो वो ओबीसी समाज है, तो फिर हम किस बहुजन की बात कर रहे हैं? देखिए, गलती उनकी नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपना जो इतिहास है वो पढ़ा ही नहीं है, और जिस दिन वो इतिहास अपना पढ़ लेंगे और ये जो गलतियां वो लोग कर रहे हैं उसमें सुधार हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों को जातियों में बांट दिया गया है। और ये क्या जगह, ब्राह्मण सवर्ण तो कलम से मार रहा ना हमको, लेकिन डंडे से अगर कोई पीट रहा तो ओबीसी समाज। मैं वही आपको बता रही हूँ कि हम लोगों को जातियों में बांट दिया गया है, और जातियों में ये कह दिया गया कि आप इससे बड़े हैं, आप इससे बड़े हैं, तो वो लोग ये सोच रहे हैं कि आज जो हम लोग पढ़ लिख कर ऊपर जा रहे हैं तो वो ये सोच रहे हैं कि कहीं हमसे ऊपर ना पहुंच जाए, ये सोचकर वो हमारे साथ अत्याचार कर रहे हैं। और जो स्वर्ण लोग हैं, जो पंडित है, ठाकुर है, जो भी हैं, वो लोग मनुवादी जो ताकते हैं वो खुद हम पे प्रहार नहीं करती, इनको इनका सहारा लेकर हमारे ऊपर प्रहार कराती है। और ये बहुजन, हम इनको बहुजनों में ही गिनते हैं, तो हम इन पर वार भी नहीं कर सकते, इनको समझा सकते हैं, लेकिन हाँ ये है कि कुछ दिनों में, जैसे अभी आप देख रहे हो मनुवादी सत्ता है, तो मनुवादी सत्ता किसी को नहीं छोड़ रही है, चाहे उसमें ओबीसी हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, कोई भी हो, वो सब दुखी हैं। तो अब धीरे धीरे भी उनमें भी सुधार हो रहा है, और कुछ लोग हैं जो शायद अंधविश्वासों में पढ़कर हम लोगों पर अत्याचार करने की कोशिश करते हैं, तो आने वाले समय में हम लोगों की यही कोशिश है कि उन लोगों को भी समझाया जाए, उनको इतिहास से वाकिफ कराया जाए, जब वो इतिहास से वाकिफ हो जाएंगे तो शायद वो सही रास्ते पर आ जाएंगे। मैम, आपने अभी कहा कि जो बहुजन समाज पार्टी पॉलिटिकल पार्टी ने एक मिशन है, लेकिन
कुछ लोगों का तो आरोप है कि जो मिशन था माननीय साहब का बहुजन समाज पार्टी ने वो ख़त्म कर दिया, उसको भूल के वो कहीं दूसरी तरफ जा रही है। अगर बहुजन समाज पार्टी ने मिशन ख़त्म कर दिया होता तो ये मनीवादी ताकतें आज की डेट में भी अगर किसी से डरती हैं तो सिर्फ मान्य बहन जी हैं। और बहुजन समाज चाहे कुछ भी बोलता रहे, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि आज अगर हम थोड़े बहुत बचे हुए हैं ना, जो खुली रोड पे हमारे साथ शहरों में, गांव में तो खैर अभी भी हो रहा है, शहरों में खुली रोड पे चलते हुए भी हमारे साथ जो शोषण नहीं हो रहा ना, अंदरूनी जो हो रहा है, वो सिर्फ बहन जी की ताकत है। क्योंकि बहन जी पूरे देश में दलित समाज का प्रतिनिधित्व करती हैं और उनके नेता के रूप में देखी जाती हैं। और मनुवादी ताकतों को अच्छे से पता है कि जिस दिन समाज को, दलित समाज को, बहुजन समाज को प्रताड़ित करने का काम किया और बहन जी ने जिस दिन ठान ली और अरब वो सड़क पे उतर आईं, तो उनका जो है ना, फिर से जैसे आर्य भारत में बाहर से आए थे ना, तो बाहर से उनका जाना तय हो जाएगा। बहन जी पे बार बार आरोप लगते रहते हैं पूनम जी, लेकिन बहन जी ने जब सहारनपुर में दलितों का प्रकांड हुआ, सब्बीरपुर कांड, तो उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया राज्यसभा से, लेकिन लोग उसको भी भूल जाते हैं। देखिए ये तो सदियों से चलता आ रहा है। बाबा साहब का भी, जो बाबा साहब ने भी जितने अपना त्याग किया वो लोग सारे नहीं याद कर रहे हैं। अब आप लगा लीजिए अपने समाज में भी सब याद नहीं करते उनको, जो बड़े बड़े पदों पर पहुंच चुके हैं वो भूल चुके हैं। अगर वो भूलते नहीं तो शायद आज हमारे समाज की स्थिति नहीं होती। ये तो हमारे महापुरुषों के टाइम से चला आ रहा है और बहन जी मूवमेंट भूली नहीं है, बहन जी मूवमेंट पर ही है। और ये वही लोग, दलाल जो टाइप के लोग हैं, वही एक गलत फहमियाँ फैलाते हैं बीच में हमारे आकर। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि अब पहले भी बहुजन जो हमारे महापुरुषों का मिशन था वो पहले भी था और आज भी है, और वो बहुजन समाज पार्टी है। क्योंकि ये जो दूसरी पार्टियाँ हैं, जो विरोधी पार्टियाँ हैं, ये वरगलता फैलाती हैं इस तरह की हमारे बीच में, और ये अपने लोगों से नहीं फैलवाती है। क्योंकि देखिए हम उनका यकीन नहीं करेंगे, हमारे ही बीच में से कुछ सपोले या दलाल कह लीजिए उनको पकड़ती हैं और उनको बीच में उतारती हैं और उनसे ये कहलवाती है कि बहन जी अपना मिशन भूल चुकी है। कोई भी दलित नया होता है वो बहन जी को ही क्यों टारगेट करता है, ऐसी क्या वजह है? देखिए नेता बनना हर किसी के बस की बात होती नहीं है। मैंने आपको पहले ही बोला कि मिशन मूवमेंट को वही व्यक्ति चला सकता है जिसकी रग रग में मिशन बसता हो। लेकिन नेता बनने के बाद आपको पता है थोड़ी पावर आती है, थोड़ा पैसा भी आ जाता है, तो जिन लोगों के मन में लालच आ जाता है तो मनुवादी ताकतें उनसे ये गलत काम करवाती हैं कि जो तुम्हारे समाज का सर्वस्व सबसे बड़ा नेता हो उसको आप गालियां देने का काम करें, और उसके बदले में उन्हें पावर मिलती है, पैसा मिलता है। वो पासवान जी की आपने बात कही, मेरे ख्याल से जब से वो पॉलिटिक्स में आए हैं तब से वो मंत्री ही हैं, तो ऐसे तो बहन जी भी कर सकती हैं, कोई भी कर सकता है। लेकिन बहन जी की जिस तरीके से मिशन मूवमेंट चलाती हैं, अब लोग बहुत आरोप लगाते हैं कि मिशन मूवमेंट भूल गई, उन लोगों से मैं पूछना चाहती हूँ आपको पता है हम कितनी गंदी स्थिति में आज इस देश में जी रहे हैं? लोगों को तो ये लगता है कि हमेशा आक्रामक रहो, अभी ठीक है मैं अकेली आक्रामक हो जाती हूँ, डंडे मार के थाने वो जेल के अंदर डाल देंगे। हम जितनी भयंकर स्थिति में जी रहे हैं, हमेशा आदमी को जब जंग पे जाता है लड़ाई करने के लिए तो रणनीति भी बनानी होती है, तलवार भी उठानी होती है और ज़बानी लड़ाई भी लड़नी होती है, लेकिन हर चीज़ का समय होता है। अभी हम उतने मनुवादी ताकतें इतनी एक हो रखी हैं और इतना गंदी पॉलिटिक्स कर रही हैं इस देश में जो उन्हें नहीं करनी चाहिए मानवता के नाते। तो बहन जी उस स्थिति में अगर वो शांतपूर्ण तरीके से किसी समय का इंतज़ार कर रही हैं तो वो एक बुद्धिजीवी और अच्छे नेता की पहचान है। क्योंकि आप हमेशा लड़ाई के मूड में रहोगे तो मात ज़रूर खाओगे। आज बड़े बड़े लोगों को देखो, वो चुन चुन के बदला ले रहे हैं, चुन चुन के गलतियां ढूंढ रहे हैं, और उन्हें पता है अगर बहन जी ने गलती करी और बहन जी को आ चाहिए, दलित समाज का मनोबल टूट जाएगा। समाज का मनोबल ना टूटे उसके लिए बहन जी इंतज़ार करना ज़्यादा बेटर समझती हैं, बशर्ते उनसे सीधी लड़ाई लड़ने के लिए। बाबा साहब ने भी कभी सीधी लड़ाई नहीं लड़ी, कलम की ताकत से लड़ाई लड़ी। आज कलम की ताकत से हमें अधिकार मिल गए हैं, लेकिन बहन जी जिस फिलॉसफी को लेकर चल रही है वो देखिए जल्दी समझ में नहीं आती, समय लगता है। और जब समय आएगा तो फिर से बहन जी की जो आज बुराई करते हैं वो बहन जी की जय जयकार भी करेंगे।